जी मन जाओ पया प्रभ
धन धन गुरु नानक देव जी ने अवतार पुर समूह संगतान लख लख बधाई हो। गुरु नानक देव जी ने कलयुग के अवतार धारिया और नवे धर्म की सिख धर्म की जी है वो जी उन्होंने उस वे शुरू किया है। ये धर्म अब पूरी दुनिया के बहुत ज़्यादा नामना खट रहा है। गुरु साहब की अपार कृपा के नाल खालसा कल संस्थावान का बहुत विस्तार होया और असी हर साल ये नगर कीर्तन खालसा कॉलेज तो लैके दरबार साहब तक मत्था टेकन जाने। इस नगर कीर्तन में अज गुरु साहब की कृपा नाल 30,000 के करीब स्टूडेंट स्टाफ टीचिंग नॉन टीचिंग बहुत बड़ा नगर कीर्तन एक अलौकिक नज़ारा देखने मिलता है। साडा कोई बच्चा एबसेंट नहीं हुंदा, सारे साडे मैंबर प्रिंसीपल स्टाफ नाल चलता है पालकी साहब दे। और ये नगर कीर्तन लास्ट जदों असीं पालकी साहब खालसा कॉलेज लैके चलते हैं तो जिहड़ी साडी अगली टोली है जलियांवाला बाग पहुँच जाती है। इन्ना वड्डा नगर कीर्तन दुनिया के किसी कोने विच नहीं हुंदा होना। ये अलौकिक नज़ारा गुरु साहब की अपार कृपा के नाल देखने को मिलता है। सो मैं सारिया संगतां नूं गुरु साहब के अवतार पुर दियां लख लख बधाई दिंदा। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतह। जी साहब जो बाबा जी ने देसी की किरत करो नाम जो वंड के छको उसको लैके खालसा कॉलेज के बच्चे जो है हमेशा जुड़े हैं कितना कितने तरह के काम करते नजर आते हैं। गुरु साहब ने दुनिया में एक नवी सेध दी है कि गृहस्थी जीवन के रह के किरत करके वंड छको और गुरु साहब की उस तक हर वेले जो लीन रवो। ये नवा एक सिद्धांत गुरु साहब ने दिता है और उस सिद्धांत के थले सारे सिख धर्म के लोग अपना दसवंध भी करते होंगे, किरत कमाई भी करते हैं, वंड भी छकते हैं। इस करके पूरी दुनिया के किसी धर्म में इन्नी लंगर की प्रथा इन्नी सेवा भावना देखने नहीं मिलती जिन्नी सिख धर्म के लिए। और साढ़े बच्चों असी यही मिशन देने यही सिक्ख्या देने कि अपने सिख धर्म के मिशन के उत्ते गुरु नानक के दिखाए रस्ते उत्ते चलो। बहुत बहुत धन्यवाद।